हेलो लर्नर्स एंड व्यूअर्स, आज हम स्टेटिस्टिक्स का चैप्टर 2 आंकड़ों का संग्रह यानी कलेक्शन ऑफ डाटा करने जा रहे हैं। पिछले अध्याय में हमने अर्थशास्त्र और सांख्यिकी की भूमिका और महत्व के बारे में पढ़ा। इस अध्याय में हम आंकड़ों का स्रोत एवं आंकड़ों का संग्रह के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आंकड़ों के स्रोत क्या हैं, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ डेटा। सांख्यिकीय आंकड़े दो स्रोतों से प्राप्त किए जाते हैं। गणनाकार, इन्हें हम रिसर्चर भी कह सकते हैं, इन्वेस्टिगेटर भी कह सकते हैं, या वह व्यक्ति होते हैं जो आंकड़ा संग्रह करता है, जांच पड़ताल या पूछताछ करके एकत्र करता है। चूंकि यह प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त की गई जानकारी पर आधारित होता है, इसलिए इस तरह के आंकड़े को प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। प्राथमिक आंकड़े मीन्स प्राइमरी डेटा। जैसे अभी कोविड का दौर है, तो मैं अगर कोविड पेशेंट के बारे में आंकड़े इकट्ठे करने जाऊं कि मेरे शहर में कितने कोविड पेशेंट हैं और कितने ठीक हो गए हैं, तो ये प्राथमिक आंकड़े कहे जाएंगे, क्योंकि इसे मैंने खुद कलेक्ट किया है। अगर मेरे संग्रहित आंकड़े को कोई और एजेंसी उपयोग करता है, तो ये उसके लिए द्वितीयक आंकड़े, सेकेंडरी डेटा हो जाते हैं। अब देखते हैं प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़े में क्या अंतर है। प्राथमिक आंकड़े, इसमें गणनाकार इन्वेस्टिगेटर खुद जांच पड़ताल या पूछताछ करके आंकड़े एकत्र करता है। द्वितीयक आंकड़े, इसमें आंकड़े को प्रकाशित स्रोतों जैसे सरकारी रिपोर्ट, समाचार पत्र, वेबसाइट द्वारा ली जाती है। दूसरा अंतर जो है वो प्राथमिक आंकड़े में समय एवं धन की बर्बादी होती है। जैसे अगर इन्वेस्टिगेटर खुद जाता है और वो आंकड़े इकट्ठे करता है, तो उसके समय और धन की बर्बादी, यानी कि अगर वो अपने कार या बाइक से जाएगा तो उसमें पेट्रोल के खर्च वगैरह लगेंगे, इसलिए इसमें धन की बर्बादी होती है। द्वितीयक आंकड़े के उपयोग से धन और समय की बचत होती है। इसमें वो किसी स्रोत से लेता है और इसमें धन की बचत होती है। तीसरा अंतर जो है वो है, प्राथमिक आंकड़े ओरिजिनल होते हैं, यानी कि प्राथमिक आंकड़े मूल होते हैं, द्वितीयक आंकड़े ओरिजिनल नहीं होते। चौथा अंतर, यह भरोसेमंद है क्योंकि गणनाकार इन्वेस्टिगेटर इसे खुद संग्रहित करता है, वो खुद जाता है साइट पे और वहाँ से वो आंकड़े को इकट्ठा करता है, इसलिए यह भरोसेमंद है। और द्वितीयक आंकड़े या भरोसेमंद नहीं है क्योंकि ये किसी दूसरे सोर्स से लिया जाता है। पांचवा डिफरेंस, प्राथमिक आंकड़े में एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि गणनाकार इसे खुद के उपयोग के लिए संग्रहित करता है, और द्वितीयक आंकड़े में, सेकेंडरी डेटा में, इसमें एडजस्टमेंट की ज़रूरत होती है क्योंकि ये किसी दूसरे स्रोत से लिया जाता है और इसमें कुछ एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अब नेक्स्ट है, हम आंकड़े कैसे संग्रहित करते हैं, यानी कि मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। हम आंकड़े किस तरह संग्रहित करते हैं। आंकड़ा संग्रह की तीन आधारभूत विधियां हैं। पहला है व्यक्तिक साक्षात्कार, पर्सनल इंटरव्यू। दूसरा है डाक द्वारा सर्वेक्षण, यानी कि प्रश्नावली भेजना, मेलिंग क्वेश्चनेयर। तीसरा है टेलीफोन साक्षात्कार, यानी कि टेलीफोन इंटरव्यूज। व्यक्तिक साक्षात्कार, यह विधि तभी उपयोग में लाई जाती है जब शोधकर्ता सभी सदस्यों के पास जा सकता हो। इसमें शोधकर्ता आमने सामने होकर उत्तरदाता से साक्षात्कार करता है, तो ये छोटे जगह में और कम लोगों में उपयोगी होता है। अब इसके गुण या लाभ को देख लेते हैं। इसमें सर्वेक्षक एवं उत्तरदाता के बीच व्यक्तिगत संपर्क होता है, क्योंकि वो दोनों आमने सामने होते हैं। दूसरा इसका गुण है कि सर्वेक्षक को यह अवसर मिलता है कि वह उत्तरदाता को अध्ययन के उद्देश्य के बारे में बता सके। तीसरा गुण है, सर्वेक्षक उत्तरदाता से यह निवेदन कर सकता है कि वह विशेष प्रश्नों को विस्तार से बताए। चौथा गुण है, इससे गलत व्याख्या से बचा जा सकता है। इसकी कमियाँ आप देख लेते हैं। जो पहली कमी है वह यह है कि यह काफ़ी खर्चीला होता है, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो घर से घर जाता है और उसके
या तो वो बाइक से जाता है या फिर कार से जाता है और उसमें पेट्रोल की ज़रूरत होती है और उसके बाद उसे काफ़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। दूसरा है, इसमें प्रशिक्षित साक्षात्कारकर्ताओं की ज़रूरत होती है। जो प्रशिक्षित होते हैं वो सही से क्वेश्चन पूछ सकते हैं और क्या क्या क्वेश्चन होने चाहिए वो सही समझ सकते हैं। तीसरा है, इसमें सर्वेक्षण पूरा करने में काफ़ी समय लगता है, तो ये टाइम टेकिंग भी होता है। चौथी जो कमी है, कभी कभी शोधकर्ता की उपस्थिति के कारण उत्तरदाता सही बात नहीं बताता। तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ पर्सनल क्वेश्चन हो जिसमें जो उत्तरदाता है वो हेजिटेशन फील करे और सही बात नहीं बताए। तो ये चार गुण और अवगुण काफ़ी है, इसे नोट डाउन कर लेना, लिख लेना। दूसरा है, डाक द्वारा प्रश्नावली भेजना। इस सर्वेक्षण में आंकड़ों को डाक द्वारा संग्रहित किया जाता है। प्रत्येक उत्तरदाता को डाक द्वारा प्रश्नावली भेजी जाती है और यह निवेदन किया जाता है कि वह उसे पूरी तरह भर कर निश्चित तारीख तक वापस अवश्य भेज दे। अब इसके गुण और कमियों के ऊपर भी नज़र डालते हैं। गुण, नंबर वन, यह बहुत कम खर्चीला है। नंबर टू, इससे दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचा जा सकता है जो व्यक्ति या टेलीफोन की पहुंच से भी बाहर हो सकता है। तो डाक विभाग द्वारा यह सर्वेक्षण करवाया जाता है और ये दूर दराज के क्षेत्रों तक भी इससे पहुंचा जा सकता है। इस विधि से शोधकर्ता उत्तरदाताओं पर प्रभाव नहीं डाल सकता क्योंकि वो एक दूसरे से नहीं मिल सकते हैं और इसलिए जो शोधकर्ता है वो उत्तरदाता पर कोई प्रभाव नहीं डालता। यह उत्तरदाता को काफ़ी समय देता है ताकि वो सोच विचार कर प्रश्नों के उत्तर दे सके। अब एक नज़र डालते हैं इसके कमियों के ऊपर। इसमें प्रश्नावली के निर्देशों को स्पष्टीकरण के अवसर नहीं मिलते। दूसरा जो अवगुण है, इसमें कम संख्या में उत्तरदाताओं से उत्तर प्राप्ति की संभावना रहती है क्योंकि कुछ जो उत्तरदाता होते हैं वो सर्वेक्षण का जो प्रश्न पत्र होता है उसे वापस नहीं भेजते। तीसरी जो कमी है, वो प्रश्नावली को पूरा भरे बिना या बिल्कुल ना लौटाने की भी संभावना रहती है। चौथा है, डाक विभाग द्वारा प्रश्नावली के खो जाने की भी संभावना रहती है। तो अगर लापरवाही रहेगी तो हो सकता है कि प्रश्नावली भी खो जाए। तो ये सारी कमियां हैं। टेलीफोन साक्षात्कार, टेलीफोन साक्षात्कार के अंतर्गत शोधकर्ता या जांचकर्ता टेलीफोन के माध्यम से सर्वेक्षण करता है। अब टेलीफोन साक्षात्कार के गुण और अवगुण को देखते हैं। जो गुण है, वैयक्तिक साक्षात्कार की अपेक्षा यह सस्ता होता है। दूसरा, इसे कम समय में पूरा किया जा सकता है। तीसरा, यह उन मामलों में बेहतर होता है जहां उत्तरदाता कुछ खास प्रश्नों के उत्तर देने में झिझक महसूस करता है। और चौथा है, यह प्रश्नों को स्पष्ट कर पेश करने में शोधकर्ता की मदद करता है। अब इसके दोष को देख लेते हैं। इसमें लोगों तक सर्वेक्षक की पहुंच सीमित हो जाती है क्योंकि वो टेलीफोन के माध्यम से लेता है और वो जो उत्तरदाता है उन तक नहीं पहुंच पाता है। दूसरा है, बहुत से लोगों के पास निजी टेलीफोन नहीं भी हो सकते हैं। तीसरा, संवेदनशील मुद्दों पर उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया को दृश्य रूप में नहीं देखा जा सकता है। और चौथा है, संवेदनशील मुद्दों पर सही जानकारी नहीं मिल सकती है। अब एक नज़र डाल लेते हैं प्रायोगिक सर्वेक्षण पे, जिसे पायलट सर्वे भी कहते हैं। जब सर्वेक्षण हेतु प्रश्नावली तैयार हो जाए तो एक छोटे समूह का सर्वेक्षण करके देख लिया जाना चाहिए ताकि प्रश्नों की कमियां एवं त्रुटियों को पता किया जा सके। जनगणना तथा प्रतिदर्श सर्वेक्षण, जनगणना या पूर्णगणना, सेंसस और कंप्लीट एन्यूमरेशन, वह सर्वेक्षण जिसके अंतर्गत जनसंख्या के सभी तत्व शामिल होते हैं, जैसे जन्म एवं मृत्यु दर, साक्षरता, रोजगार, आयु, जनसंख्या के आकार एवं संरचना आदि, उसे जनगणना या पूर्णगणना की विधि कहा जाता है। इसके अंतर्गत घर घर जाकर जानकारी ली जाती है और पूरे भारत के हर एक परिवार को इसमें सम्मिलित किया जाता है। अब जानेंगे प्रतिदर्श के बारे में।
प्रतिदर्श समष्टि से चयन किया गया एक छोटा समूह होता है जिसके द्वारा संबंधित सूचनाएं प्राप्त की जाती है। प्रतिदर्श दो तरह के हैं, यादृच्छिक और अयादृच्छिक प्रतिदर्श। प्रतिदर्श में एक समूह ले लिया जाता है और उसी से पता लगाया जाता है कि पूरे एरिया का क्या हाल है। देश की आज़ादी के बाद पहली जनगणना 1951 में हुई थी। भारत में जनगणना आर्थिक और सामाजिक मुद्दों को समझने के लिए किया जाता है। भारत की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 121.09 करोड़ है, जो 2001 में 102.87 करोड़ थी। राष्ट्रीय एवं राज्य दोनों ही स्तरों की ऐसी संस्थाएं होती हैं जो आंकड़ों को संग्रहित करती है। ये है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण NSS, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO और भारत का महापंजीकार RGI। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गई। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।